किसी खातून की जिससे शादी हुई, उस शख्स ने 6 साल बाद बताया कि उसकी जो बीवी है उसकी बहन से उसके पहले ताल्लुकात रह चुके हैं, तो क्या अब निकाह टूट जाता है? नहीं, निकाह नहीं टूटता। अगर बहुत पुराने ताल्लुकात रह चुके हैं तो उसको सिर्फ तोबा करनी है। अगर अभी उसने कोई ताल्लुक कायम किया था और निकाह कर लिया तो निकाह नहीं होगा, क्योंकि जब तक उस ताल्लुक की इद्दत खत्म नहीं हो जाती। 3 मंथ 3 साइकिल इद्दत है। अभी मसलन, फॉर एग्जाम्पल, मसला समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। उसने पिछले हफ्ते इस तरह का फेल किया माज अल्लाह, और अभी ये उसकी बहन से निकाह कर रहा है, तो निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि उससे अगरचे नजायज ताल्लुक कायम किया है, उसकी इद्दत को गुजरने देगा। वो जब पाक हो जाएगी, अपनी इद्दत गुजार लेगी, तब ये निकाह कर सकता है। अगर पहले से निकाह है तो निकाह में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हराम फेल जरूर है। अगर दुराने निकाह उसने उसकी बहन के साथ ताल्लुक कायम किया, यानी साली के साथ, तो अब ये दोनों के करीब नहीं जा सकता, अपनी बीवी के भी नहीं, क्योंकि इसने जमा बैन रुखतैन कर लिया है। अगर चाहे नजायज ताल्लुक से किया है, उसकी इद्दत खत्म होगी, तब ये अपनी बीवी के करीब जा सकता है। यानी निकाह तो नहीं टूटा, लेकिन थोड़ी आर्जी तौर पर इस पर पाबंदी लग गई है। उसकी इद्दत जब तक नहीं गुजरती, वो पाक नहीं हो जाती, इस्तिबरा उसका नहीं हो जाता, इस्तिबराए रहम, उस वक्त तक ये अपनी बीवी के करीब भी नहीं जा सकता, निकाह ही नहीं होगा। और अगर उससे उसने किया है, तो अभी अगर निकाह किया है तो निकाह नहीं होगा, जब तक वो पिछली जो उसने गंदा फेल किया वो अपनी इद्दत गुजार कर फारिग नहीं हो जाती, उसका इस्तिबराए रहम का जो सिलसिला नहीं हो जाता। तो यहां बड़ा अहम इद्दत का मसला। मसला बीच में आ गया, इस वजह से निकाह नहीं हो पा रहा।